अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। अज मैं पंजाबी कल्चर दे एक बड़े नवेकले जे अंग ते तुहाडे नाल गलबात सांझी करनी है। गलबात बड़ी इंटरेस्टिंग ते रिसर्च भरपूर है, इस वास्ते मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी वीडियो अखीर तक देखोगे ते अपना फीडबैक भी दोगे। सब कॉन्टीनेंट की पहली उर्दू बोलती फिल्म आलम आरा की नुमाइश मगरों बंबई की एक कंपनी ने पहली पंजाबी बोलती फिल्म बनाने का फैसला किया। इंज आलम आरा दे 4 साल मगरों 1935 फिल्म इश्के पंजाब उर्फ मिर्जा साहबां लाहौर के एक सैनमा नरिंजन टॉकीज 29 मार्च 1935 नुमाइश लई पेश कर दिती गई। एदे विच हीरो दा किरदार अमृतसर दे एक रबाबी घराने नाल जिहड़ा तालुक रखदा सी देसा सिंह उन्हें निभाया सी, जबकि हीरोइन कसूर दी एक मुटियार खुरशीद बानो सी। इस फिल्म दी कामयाबी मगरों दूजे फिल्म मेकरस ने भी हौसला फड़िया ते इंज केडी मेहरा ने अपनी एक पंजाबी फिल्म जिहदा नाम पिंड दी कुड़ी सी नुमाइश लई पेश कर दिती। यह फिल्म कलकत्ते बनी ते लाहौर दे एक पैलेस सिनेमा च नुमाइश लई पेश कीती गई। इस फिल्म दा नाम सी पिंड दी कुड़ी। इहदे विच पहली वारी अल्लाह वसाई यानी बेबी नूर जहान ने एक बालड़ी दा रोल अदा कीता सी। केडी मेहरा ने दूजी फिल्म 1938 विच बनाई ते उहदा नाम सी हीर सियाल। उहदे विच वी बेबी नूर जहान ने बालड़ी हीर दा किरदार निभाया सी। इस तरह कलकत्ते च फिल्मां बनदियां ते नुमाइश लई लाहौर विच पेश कीतियां जांदियां सन। लाहौर विच बनन वाली पहली पंजाबी फिल्म गुल बकौली सी, जिस नूं दिल सुख पंचोली ने बनाया सी। इहदे विच सलीम रजा ते सुरैया जबी ने मरकजी किरदार निभाए सी। इहदा म्यूजिक गुलाम हैदर ने दिता सी। इसे तरह के एल सहगल ते रेडियो लाहौर दी गायिका शमशाद बेगम ने पहली वार इस फिल्म विच गाया सी। 1941 विच फिल्म साज ए आर कारदार दी पहली पंजाबी फिल्म सी कुड़माई, ते इस विच पहली वार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने किसी पंजाबी फिल्म दा म्यूजिक दिता सी। 1942 विच हदायतकार जी आर सेठी दी फिल्म गवांडी पेश कीती गई। इस विच सियालकोट दे गबरू श्याम ते मुटियार वीना ने रोल अदा कीता। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੀਤ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੰਗਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 35 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸੰਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਬੰਬਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੀਨਾ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਾਹ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚਾਨਵੇ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੋ 1949 ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐਵਰ ਨਿਊ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਮਲੰਗੀ, ਜੱਗਾ, ਜਬਰੂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਥੀਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
इस तरह चढ़ते पंजाब 1959 विच एक फिल्म भंगड़ा सामने आई। इस फिल्म विच पंजाबी लोक रकस भंगड़ा नू मरकजी गाने बनाया गया। इस फिल्म तो बाद भंगड़ा हर फिल्म विच शामिल हुंदा सी। लहिंदे पंजाब विच हीर रांझा, मलंगी, करतार सिंह, हीर सियाल, जिद्दी, नौकर वोटी दा, शरीफ बदमाश, 50-60 ते 70 दे ताकियां दियां पापूलर फिल्मां सन। जबकि चढ़दे पंजाब विच हीर सियाल, जग्गा, गुड्डी, चन माई, यमला जट, दो लच्छियां, मकलावा ते नानक नाम जाज है। इस तों इलावा कणकां दे ओले, यह सारियां फिल्मां इन्हां ताकियां विच मकबूल रहियां। लहिंदे पंजाब विच 1979 विच एक फिल्म बनाई गई जिसने पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा का मूँह मोड़ दिता। वह फिल्म सी मौला जट। इस फिल्म ने गंडासा कल्चर नू जाणू करवाया ते फिर इस फिल्म तो मगरों सुल्तान राय की मौत तक मौला जट ही बनाई जाती रही। 80 की दहाई विच लहिंदे ते चढ़दे पंजाब विच कई पंजाबी फिल्मां ऐसियां बनाईयां गईयां जो बड़ियां पापूलर होईयां ते जो अपने थीम मुताबक भी बड़ियां आला सन, जिवें कि चढ़दे पंजाब विच लौंग दा लश्कारा ते चन परदेसी। इसे तरह लहिंदे पंजाब विच धी राणी, मुखड़ा, अमानत ते चन वरियाम। यह सारियां फिल्मां अपनियां कहानियां ते प्लाट वजों बड़ियां मजबूत सन। इसे तरह इन्हां दा म्यूजिक भी मिसाली सी। 90 की ताई लहिंदे ते चढ़दे पंजाब दे सिनेमा लई भैड़ी रही। वेले दे नाल नाल बॉलीवुड दियां कहानियां ते अंदाज ने पंजाबी सिनेमा ते असरात पाना शुरू कर दिते ते पंजाबी फिल्मां अपनी धरती नाल जुड़त नूं छड़ के बगाने ख्यालात ते मौजूआत ते बनाईयां जाण लग पईयां। लहिंदे पंजाब वाले पासे हीरो दा मकसद सिर्फ अपने किसे प्यारे दे कतल दा बदला लैणा ही रह गया ते इसे तरह जात बरादरी दी फोकी अना नूं वी फिल्मां च दिखाया जाण लग पिया। हुण हौली हौली फिल्म सिर्फ शोर, बड़कां ते गोलियां दा नां बण के रह गई। चढ़दे पंजाब विच जदों 1984 विच दरबार साहब ते हमला होया ते उस वेले नौजवानां दी इक पीढ़ी अग, खून ते स्टेट दे जुल्मां दा निशाना बण गई। इस सब दे असरात पंजाबी फिल्म ते वी होए ते पंजाबी सिनेमा बहुत कट गया। लहिंदे पंजाब विच मजाजन, चूड़ियां ते मेहंदी वाले हाथ सन 2000 विच जदों सामने आईयां ते इंज लगा कि जिवें पंजाबी फिल्म एक बार फिर जिंदा हो गई है, पर यह उम्मीद छेती टुट गई। चढ़दे पंजाब विच 2002 विच एक फिल्म जी आया नूं बनाई गई। यह ऐसी फिल्म सी जिहदा बजट लखां तों करोड़ां तक अपड़ गया। इस फिल्म तों बाद पंजाबी फिल्म दे जिंदा होण दी एक उम्मीद पैदा हो गई। चढ़दे पंजाब विच एक होर बड़ा रिवाज वध्या है। पंजाबी गुलकारां ने खुद हीरो वजों फिल्मां चाणा शुरू कर दिता है ते यह तब्दीली पसंद भी की गई है। इस तरह पंजाबी फिल्मां विच हीरो हुण दस्तार नाल सामने आउंदे ने ते यह भी तब्दीली बड़ी मकबूल हुई है। किस्सा, रब दा रेडियो, अंग्रेज, रुपिंदर गांधी, दिलदारियां, दुल्ला भट्टी, मंजे बिस्तरे, बंबू काट, निक्का जैलदार, पंजी किले ते अजिहियां होर कई पंजाबी फिल्मां ने जिन्हां चढ़दे पंजाब दे लोकां दे नाल नाल लहिंदे पंजाब दे लोकां नूं वी बड़ा मुतासर कीता है। लहिंदे पंजाब विच हुण पंजाबी फिल्म बिल्कुल नहीं बन रही, पर चढ़दे पंजाब दी पंजाबी फिल्म अपनी पूरी ताकत नाल सामने आ रही है। अपनी ट्रीटमेंट, फिल्म मेकिंग ते कहानियां वजों पंजाबी फिल्म किसी भी वड्डे सिनेमा मरकज़ तों घट नहीं बल्कि उन्हां दी टक्कर दी बन रही है ते यह पंजाबी नाल प्यार करन वालियां लई एक ठंडी हवा दा चौंका है। पंजाबी सिनेमा बारे अज दी सारी गलबात तों बाद एक गल होर बड़ी जरूरी जो मैं इत्थे तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदी हाँ। जे तुसी पंजाबी फिल्म ते सिनेमा नूं विस्थार नाल पढ़ना चाहुंदे हो ते साडे एक मित्र दोस्त जिन्हां दा तालुक फिरोजपुर तों है ते जिहड़े हुण रहिंदे पटियाले विच हन, मनदीप सिंह सिद्धू जी, बेसिकली ओह फिल्म जर्नलिस्ट ने, कॉलम भी लिखते ने। उन्हां पंजाबी सिनेमा ते एक भरपूर रिसर्च कीती है ते एक किताब लिखी है। किताब दा नाम है पंजाबी सिनेमा दा सुचित्र इतिहास। यह किताब पंजाबी सिनेमा नूं, पंजाबी फिल्म नूं 1935 तों लै के 1986 तक कवर करती है। मैं रिकमेंड करांगी कि जे तुसी पंजाबी सिनेमा, पंजाबी फिल्म नाल मोह रखते हो तो यह किताब जरूर पढ़ो।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੋ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।